देश भर में उठ रही विरोध की आवाज, देवी देवताओं का नहीं सहेंगे अपमान। सियासत ने तैयार किया अपना मैदान, सियासी तांडव। तांडव नाम आते ही भगवान शिव का ख्याल आता है, लेकिन इस वक्त देश में तांडव को लेकर हंगामा बरपा है। देश के अलग अलग हिस्सों में वेब सीरीज तांडव का विरोध हो रहा है। तांडव को लेकर हिंदू संगठनों ने एतराज जताया है और इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है। डायरेक्टर अली अब्बास के निर्देशन में बनी वेब सीरीज तांडव पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान और मजाक बनाने का आरोप लगा है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जब तक अमेज़न माफी नहीं मांगता, लोगों को अमेज़न का बायकॉट कर देना चाहिए। तांडव वेब सीरीज को प्रसारित करने का दुष्कर्म दुस्साहस अमेज़न प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़ कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेज़न का प्रोडक्ट न खरीदे। तांडव वेब सीरीज ने देश में बवाल खड़ा कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर रोक लगाने की मांग हो रही है। लखनऊ और मुजफ्फरपुर में कलाकारों और डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। वहीं ट्विटर पर भी बायकॉट तांडव ट्रेंड कर रहा है। तो यूपी पुलिस की विशेष टीम तांडव के आरोपियों को गिरफ्तार करने मुंबई निकल गई है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कलाकारों और सीरीज के मेकर्स पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है, तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वेब सीरीज के आपत्तिजनक सीन को हटाने की मांग की है। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए, ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से जो बॉलीवुड में है। इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। तांडव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने वेब सीरीज को संस्कृति पर हमला बताया। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने तांडव पर बैन लगाने की मांग की है। मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से इस देश में सनसनी फैलाने की, सस्ती लोकप्रियता की और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में गलत परोसने की जो परंपरा चली थी, वो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से की जा रही है। बेहद निंदनीय है और बिल्कुल एविडेंट है, प्रमाणिक है, जिस पे जो चीजें दिखाई गई हैं जो आपत्तिजनक है। तांडव वेब सीरीज में जिस प्रकार हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है, धार्मिक संस्कृति को आहत करने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये समाज को तोड़ने की साजिश है। तो गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जिस मूवी में देवी देवताओं और किसी एक जाति पर अत्याचार को दिखाकर ठेस पहुंचाई जा रही है, केंद्र सरकार को ऐसी वेब सीरीज पर पाबंदी लगानी चाहिए। एक बात बताइए, तांडव फिल्म में यदि कहीं गलत हुआ है, मैंने देखी नहीं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, इस तरह की वेब सीरीज को रोकना, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को रोकना चाहिए। कहते हैं कि सही और गलत के बीच में जो खड़ी हो जाती है उसे राजनीति कहते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फिल्म मेकर्स पॉपुलैरिटी के लिए जानबूझकर ऐसा कंटेंट डालते हैं या फिर जानबूझकर देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसे कई सवालों पर आज न्यूज एंड व्यूज करेंगे। शशि मोहन शर्मा के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।